जय देव दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी एकदम बढ़िया और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि व्लॉग काफ़ी टाइम लेट आ रहा है क्योंकि हमारी फैमिली के साथ बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी, तभी व्लॉग नहीं आ रहा था और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके सोचा है कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ। कल रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर सा फील हो रहा था और बॉडी में पेन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग बड़े पापा। दुखने लग गए, तो अभी मैंने खाना भी खा लिया और मैंने दवाई भी खा ली है, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यार मैं सोने का बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। शोल्डर्स में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, रात को भी मैं नहीं सोई क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा जुकाम लगा है, मेरे को सांस ले ही नहीं जा रही थी और जैसे मैं श्रींक कर रही थी ना तो नाक से मेरे खून निकल रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने दवाई खाई है, फीवर तो नहीं है, बस ये शोल्डर पेन कर रहे हैं। अभी देखो मौसम कैसा हो रखा है, धूप जैसी हो रखी है ना, लेकिन ये जो धूप है ये इतनी ठंडी धूप है, इतनी ठंडी धूप है कि क्या ही बताऊँ। कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, हमें लगा था कि सुबह जैसे हम उठेंगे सब वाइट वाइट दिखेगा हमें बर्फ़ से, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ ही नहीं पड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्फ़ कहाँ पड़ी है। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है नीचे, हम थोड़ा नीचे रहते हैं ना पहाड़ से, शायद तभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी, बट ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ पड़ गई है। हाँ तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में सोने, क्योंकि नीचे सब लोग अपनी अपनी शोर करते रहते हैं, तो मैंने सोचा ऊपर ही आके सो लेती हूँ थोड़ा टाइम। तो यार मैं 2 बजे सोई थी और अभी बाहर अंधेरा हो गया। दो बोल, दो ना ना कर, सर बाहर पार्ट रोक के दस बार नहीं आउट रोक दम और नहीं पड़ी अभी पड़ी ही नहीं इसमें। कैसे है टेस्ट? मुझे ये खा थोड़ी रही हूं टेस्ट। अच्छे से अंदर ले, मुंह खोल के अंदर ले, मुंह में डालना क्या? ये गाले में ही आता पीछे मुंह में, इस नाक में डाला ही नहीं केटा तूने, सारा बाहर गिर गया। पड़ी बस खोल चले हम पूरे से बहुत गंदा था ये, जैसे पोलियो ड्रॉप थी गंदा। अब ऐसे लेट के बैठना है? हाँ थोड़ी देर आगे ये सीनरिस्ट है, ये भी शाम को खानी पर सोते टाइम ही, ये जब सोना होगा, ये जब सोना होगा तब खानी है, साबुन सोबन और ये जब तेरी नाक बंद होगी तब इसको सीन है, और ये स्टीम की कुछ ये से अचानक और ये लेट ऑफ की क्या हो कोई ये खा फिर ऐसा खीर ये किधर शेर। खाना मैंने खा लिया लेकिन ना मेरे को फिर से थोड़ी भूख लग रही है, इसमें कुछ पड़ा होगा शायद, अमरूद है, एक अमरूद खाऊंगा मैं। अच्छा सा ये वाला खा लेते हैं। ये देखो धूप भी यहीं पे पड़ा हुआ है, सुबह जलाया था। हाँ इसको वॉश कर लेते पहले। आज हमारे घर पे सारे बीमार है, दादी इस बेड पे, दादू उस बेड पे, मैं इधर के सामने, दादू उधर, सारे ही बीमार है। ठीक है, अक्की भैया बीमार, सिर्फ एक पापा बचे हुए हैं, वो चलेंगे ऊपर सोने। अब जरा अम्मा डाल रहे हैं कैप्सूल, जरा स्टीम लेते हैं थोड़ा। मम्मी तेज कीजिए ना अंदर। हाँ वो आई ना तीन चीजें पानी आ लाने। ऐसा मेरा जिन्दा। फिर भी साथ फोक्स तेरे दो के बड़ों। हमारी खुशी बहुत गरीब है, इसने दो गुत्ते बनाई और दो गुत्तों में एक ही रबड़ लगाया है, बहुत गरीब है ये, बहुत ज्यादा। कृपा करके किसी के पास एक और रबड़ होगा या पैसे दे देने इसको दूसरा रबड़ लेने के लिए। खुशी तो बड़ी चिल्ला के यहाँ से आवाज आ रही तेरे को, बंद कर सब कुछ।
एक रो मोबाइल रख छे है मेरी ये तो इसके अंदर भी मोबाइल खोल है पसीना आ रहा है अभी यहाँ से मैं भूल गई मैं क्या कर रही थी मैं भला अपना इलाज कर रही थी तुम्हारे तुम भी ना मेरे को टपला देते हो मैं अपना इलाज कर रही थी सब अपना अपना इलाज कर रहे हैं बुला नहीं देते इसको टपला देते मुझे टपला देते दादी हॉस्टल में पढ़ रही है इसको अभी पीपी रही थी ना आती दादी आप सिखाओ इसको मैं नहीं सीखनी मैं टपला जाती हूँ यार अभी देखो लाइट ही नहीं है और हमने यहाँ पे फ्लैश लाइट जलाई हुई है 2 मिनट के लिए अभी पता क्या हुआ मैंने ये 2 चीज़ें निकाली अपने लिए खाने के लिए उस साइड रखी अपने पिल्लों के और सीमती ने भी ये चीज़ लाई इसके हाथ में से शड़छप्पड़ हुआ ना मैंने कहा तूने क्या लाया है तो इसने दिखाया ऐसे मैं ऐसे होगी मैंने कहा तूने मेरा चोरी किया होगा ना बोलती नहीं मैंने तो सुना है मैंने कहा ना 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 तूने मेरा चोरी किया है बोलती ना मैंने तो सुना है मैंने कहा नहीं मैंने यही 2 चीज़ें अपने उसमें से निकाली थी फिर जब मैंने उस साइड देखा मैंने कहा मेरा तो सही सलामत है और देखा मेरी बहन ने भी सेम चीज़ लाई है वाओ अब हम खाते हैं ना सो गुड मॉर्निंग गाइस तो कल जो है व्लॉग एंड नहीं कर पाई मैं हिम्मत भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी काफ़ी सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी तो काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि क्या सीन हुआ है एक्चुअली इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारी फैमिली के साथ मैंने जैसे कि पहले ही बोला बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है हमारी फैमिली के साथ पूरी फैमिली के लिए वो सिचुएशन से बाहर आना बहुत बड़ी चीज़ थी तो जो लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा और जो लोग नहीं करते मैं उनको सारी चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ कि मैंने अपना कज़न ब्रदर खोया है तो मैं बता देती हूँ वो चीज़ की वो कैसे हुई क्या रिलेशन था जो भी है कमेंट्स भी आ रहे थे और डीएम्स भी आ रहे थे कि कैसे क्या हुआ आपके कौन लगते थे कैसे आप इनको जानते हो तो जो मेरी सीमा दी है मतलब जो मेरी ताई जी की बेटी है जो मेरी ताई जी है उनके सगे भाई का बेटा और ना हम लोग ना अपनी नानी के घर पे कम जाया करते थे क्योंकि काफ़ी दूर था यार जम्मू जाना आना साल में कहीं 1-2 बार हम लोग मिलते थे अपनी नानी वालों से लेकिन जो सीमा दीदी की नानी वाले हैं वो यहीं पर रहते थे तो हमारा बॉन्ड ना अपनी नानी वालों के साथ कम था और सीमा दीदी की नानी वालों के साथ ज़्यादा था 14 को मासी के घर पर सीमा दीदी की बड़ी मासी के घर पर मतलब मेरी बड़ी मासी के घर पर जगराता था तो हम लोग वहाँ थे तो सब लोग थे काशू भैया थे मैं थी सब भी भाई बहन थे कज़न थे हम जितने भी हैं तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया काफ़ी मज़ा किया काफ़ी डांस किया पूरी रात बैठ के बहुत इन्जॉय किया मतलब जैसा कज़न ब्रदर बहन करते हैं ना काफ़ी टाइम के बाद मिलने के बाद वैसे उसके बाद क्या चीज़ हुई जब हम 15 को सुबह वापस आए तो मेरी बहन का था बर्थडे सीमा दीदी का जो कि व्लॉग आपने देखा होगा तो मैंने उस दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सुबह से सोए हुए थे तो उसके बाद क्या चीज़ हुई 16 को नॉर्मली हमारा दिन जैसा गुजरता वैसा हुआ उसके बाद 17 को सुबह मैं सोई हुई थी ऊपर वाले रूम में मतलब सेकंड फ्लोर पे तो नीचे ना सब लोग चिल्ला रहे थे तो मैं नींद में ही चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो आई वाज लाइक क्या हुआ ये चिल्ला क्यों रहे हैं तो मेरा दिल ना एक टाइम के लिए बैठ गया कि कहीं दादू दादी को कुछ तो नहीं हो गया क्योंकि पहला थॉट वही आता है अब बूढ़े भी हैं और बीमार भी हैं तो पहला थॉट वही जाता है कि दादू दादी को कुछ तो नहीं हो गया मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे आऊँ देखूँ कि क्या हुआ है किसको हुआ क्योंकि मेरे को हिम्मत ही नहीं आ रही थी मुझे यही था कि दादा दादी को कुछ नहीं होना चाहिए दादा दादी को कुछ नहीं होना चाहिए तो जैसे मैं नीचे आई सब लोग चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है मैंने दादा दादी को देखा वो दोनों ठीक थे मैंने सीमा दीदी को पूछा क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है किसको क्या हुआ किसको क्या हुआ बता ही नहीं रही मैंने अम्मा को पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बता ही तूने जब बड़े मामा ने बताया तो कि ऐसा ऐसा सीन हुआ तो मैं ऐसे हो गई मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कहीं थॉट दूर दूर तक ही नहीं होता है दिमाग में कि ऐसा हो सकता है उसके साथ ये चीज़ हो सकती है क्योंकि इतना एंजॉय किया था हमने पिछले दिन ही इतनी सारी मस्ती इतना बातें सब कुछ किया हुआ था तो कहीं थॉट ही नहीं आता था कि इसके साथ ऐसा ऐसी चीज़ भी हो सकती है वो चीज़ हुई हम सुबह ही निकले नानी के घर पे तो जैसे हम नानी के घर गए तो नानी को पता चल गया था मतलब हमारे जाते जाते सब लोग
रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मेरा ऐसा था कि नहीं यार रो मत प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वास करने में ही उस चीज़ को बड़ा टाइम, अभी मेरे को स्टिल विश्वास नहीं होता है कि ऐसी सब चीज़ें हुई हैं हमारे साथ एक्चुअली में। अपनी फैमिली में ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी, और जब देखी थी तब बहुत छोटी थी, जब मेरे पर दादू की डेथ हुई तब मैं काफ़ी छोटी थी, तो वो सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब ये चीज़ हुई उसको लेके आए, तो मतलब मेरा ऐसा ही था कि यार ये सोया हुआ है, इसको उठाओ इसको उठाओ। तो वो एक विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, काफ़ी मतलब एक हिसाब से हमारी फैमिली के लिए ये सिचुएशन से डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज भी जब मतलब उसकी वीडियोस वगैरह हम देखते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि हुआ है, ऐसी चीज़ हुई है, मतलब जितना हम रोएं जितना हम पिटे हैं वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, उसकी यादें, और हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि भगवान उसको अगला जन्म अच्छा सा दे, उसके साथ ये चीज़ दोबारा नहीं हो। जब मैं फोर्थ डे पे वहाँ गई, मतलब नानी के घर गई, तो मेरा ऐसा था कि देखो सारे भाई सब काम कर रहे हैं, वो भी इधर ही कहीं होगा, अभी आएगा, अभी बातें करेंगे, या जो भी होता है ऐसा होता है ना कि सडनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कार एक्सीडेंट में ये चीज़ हुई, बटोत में कार एक्सीडेंट हुआ, तीन कज़न थे, जा रहे थे बड़े वाले कज़न को छोड़ने ड्यूटी पे, तो अब गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, क्या हुआ, मशीनरी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो जो होना था वो हो गया, दो भाई इंजर थे और एक तो चला ही गया हमें छोड़ के। बस अब उसकी यादें हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होता यार इंसान, रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि हर किसी ने जाना है, लेकिन उस चीज़ से इंसान को कितना डर लगता है। हमारा तो क्या है, हम कज़न थे, ठीक है, एक महीना रोएंगे पिटेंगे, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, लेकिन जिन्होंने उसको इतना बड़ा बनाया था उनके लिए सिचुएशन से डील करना बहुत मुश्किल है। रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर रोने से वो वापस आता फिर तो पूरी दुनिया रोती ना कि हाँ हमें वापस मिल जाएगा हमारा इंसान, तो रो, लेकिन नहीं, इस टाइम पे हिम्मत करनी चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए जिनके साथ ये चीज़ हुई है। और मैं सभी लोगों को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप ड्राइव करते हो, आप में से कोई भी ड्राइव करता है, आराम से ड्राइव करो, ओवर स्पीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं लेट हो रहे हो जल्दी निकलो, ओवर स्पीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट लेट पहुँचोगे 15 मिनट लेट पहुँचोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मशीनरी है यार उसको कुछ पता नहीं है चलता, कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए, इसलिए ड्राइव बिल्कुल सेफ्टी के साथ किया करो। अब जो होना था हमारे साथ वो हो गया, अब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है, बट ऑल वी कैन डू इज़, उसके लिए सारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मुझे, सब मिलके प्रार्थना करो कि उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिले, बहुत सुख मिले उसको, और उसकी आत्मा को शांति दे भगवान। तो यही है, यही मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। सो आई होप सबको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।